दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंडे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंडे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में, जहां जल भरते हैं, ठंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए। लंबी बत्ती मारा, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र का, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या